गुड इवनिंग, नमस्कार। एक ऐतिहासिक उपलब्धि वैश्विक लेवल पे हुआ है कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में साइबर अपराध को एक कानूनी रूप देने की प्रक्रिया का अंतिम चरण में फाइनल हो गया है, अंतिम चरण खत्म हो चुका है ना। यानी एक साइबर क्राइम सम्मेलन, एक नया साइबर क्राइम सम्मेलन में साइबर क्राइम से रिलेटेड यानी साइबर क्राइम ट्रीटी लगभग फाइनलाइज हो चुका है। यह लागू कब होगा? जब मेंबर स्टेट इसको रेक्टिफाई करेंगे। 200 मेंबर स्टेट फाइनलाइज इस ट्रीटी को कर दिए हैं। क्लियर। अब इसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि साइबर क्राइम क्या है, उसके बाद में देखेंगे कि यह किस तरह फाइनलाइज हुआ है, उसके बाद में देखेंगे कि इस ट्रीटी का मुख्य रूप क्या है, क्या किस किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है। और यह जो पहली बार जो की बात जो कर रहे हैं कि वैश्विक लेवल पर, तो इससे पहले जो क्राइम होते थे, जो आजकल क्राइम हो रहे हैं साइबर क्राइम, वह किस ट्रीटी से गाइड होता था, है ना। तो ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। 3 साल काम करने के बाद लगभग 200 नेशंस, 200 कंट्री ने अप्रूव किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यानी इस सम्मेलन जो क्या है, साइबर क्राइम से रिलेटेड ट्रीटी है जो कि कानूनी बाध्यकारी है। यह एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, कब? 9 अगस्त 2024 को फाइनलाइज हुआ है स्पेशल मीटिंग। अब इस कन्वेंशन को, इस सम्मेलन को फाइनलाइजेशन से एक लैंडमार्क स्टेप बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मल्टीलेटरल एंटी साइबर क्राइम ट्रीटी हुआ, यानी साइबर क्राइम को रोकने के लिए ट्रीटी हुआ 20 साल के अंतर में। क्लियर। और यह पहला यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम है, कब? जब आजकल साइबर स्पेस इतने तेजी से बढ़ रहा है और साइबर स्पेस से रिलेटेड साइबर क्राइम बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आए बात समझ, देखिए तीन चीज अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक स्पेस, स्पेस हर चीज स्पेस से रिलेटेड हो रहा है, स्पेस मीन्स यहाँ अंतरिक्ष, और थोड़ा बहुत बोल सकते हैं डीप सी भी अभी आजकल थोड़ा सा वहां भी बढ़ रहा है, और तीसरा जो क्या है साइबर स्पेस, साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेस मीन्स क्या होता है, वह स्पेस जो काल्पनिक हो यानी आभासी हो। अब साइबर स्पेस में साइबर क्राइम जो होते हैं, वह साइबर क्राइम किससे किए जाते हैं? साइबर क्राइम जो है डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज राइट नाउ हम लोग क्या एक डिजिटल एज में जी रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, सारे सूचना यही होते हैं, है ना। तो सूचनाओं को चुरा लेना, आपका डाटा ब्रीच कर देना, आपके सूचनाओं को बदल देना वायरस वगैरह करके, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग आजकल हो रहा है ना, बहुत सारे अपराध, नए अपराध हो रहे हैं, साइबर किडनैपिंग हो रहे हैं, है ना। तो यह क्या हो गया कि वर्चुअल वर्ल्ड में डिजिटल डिवाइस के माध्यम से जो अपराध किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वैश्विक लेवल पर, संयुक्त राष्ट्र के लेवल पर यह कन्वेंशन को एक लैंडमार्क स्टेप बताया जा रहा है। गॉट इट, समझ गए। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं, इस ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी, यह यूएन का पहला ट्रीटी है, याद रखिएगा, हमेशा नया रहेगा हमेशा, जो क्या करेगा, प्रिवेंट एंड कम्बैक्ट साइबर क्राइम से आपको सुरक्षा करेगा, उसको मॉनिटर करेगा बड़ा इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली, है ना। दो चीज पे ज्यादा जोर दिया गया, पहला है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज और दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग। ये दो चीजों को, यानी पोर्नोग्राफी, चाइल्ड को पोर्नोग्राफी, गलत गलत पिक्चर, इमेजरी वगैरह बना के जो लोग नेट पे डाल देते हैं, उससे भी यहाँ पे उसको सुरक्षा किया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड इज द फ्यूचर, वह फ्यूचर होते हैं। यह ट्रीटी कब लागू हो जाएगा? जब एक बार 40 मेंबर नेशन जो यूएन का है वह उसको अनुमोदित कर दे। अब सवाल उठता है कि इससे पहले कौन सा कन्वेंशन, कौन सा सम्मेलन, कौन सा ट्रीटी, कौन सा रूल से अभी तक साइबर क्राइम रेगुलेट होता था? तो वह है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन तो 2001 में हुआ था, यही गाइडलाइन और रेफरेंस है साइबर क्राइम लेजिस्लेशन का पूरे विश्व में। आए बात समझ में। तो यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी, अब हम यहां पे समझेंगे, ये समझ गए यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी, साइबर क्राइम तो समझ गए, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए
अगर इस ट्रीटी का महत्व की बात करें तो पहली बार इस ट्रीटी का सबसे बड़ा महत्व है कि पहली बार यह वैश्विक लेवल पर ग्लोबल लेवल पर साइबर क्राइम एक से समझिए कि साइबर क्राइम ट्रीटी एक स्थापित किया गया है, यानी साइबर क्राइम को जो मॉनिटर करेगा वैश्विक लेवल पे, है ना, और इसको लीगल फ्रेमवर्क दिया गया, यानी कानूनी बाध्यता दिया गया पहली बार। इसके अलावा सोसाइटी को साइबर क्राइम से बचाने के लिए पहली बार एक वैश्विक क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी बनाया गया है जो साइबर क्राइम से सोसाइटी को बचाएगा, है ना। अब थोड़ा सा रिमार्क नोट्स में हम देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहले साइबर क्राइम कब हुआ था। तो देखिए, यह सबसे पहले साइबर क्राइम इंडिया में 1992 में आया था। इसी दशक में कंप्यूटर वगैरह भी आए थे इंडिया में। और वह कैसा क्राइम था, पहली बार फर्स्ट पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है ना रिलीज किया गया था। और पहला केस जो इंडिया में था साइबर क्राइम से रिलेटेड, वह है याहू वर्सेस आकाश अरोरा, जो कि 1999 में आया था, है ना। तो यह रिमार्क है, याद रखिएगा, चूंकि कई बार मेंस वगैरह में भी इस तरह का पूछते हैं, है ना, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह का, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर, तो समझ गया सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसमें क्या बचता है, अब एक कीवर्ड बढ़ता है कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका की प्रोविजन क्या है इस ट्रीटी का जो कन्वेंशन में फाइनलाइज हुआ है, है ना। चलिए इसका की प्रोविजन के बात करते हैं। तो की प्रोविजन में सबसे पहला है कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशन का बात किया गया, यानी नेशन राष्ट्र अपने अपने देश में इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन कानून पारित करेंगे, है ना। इसमें जो भी स्टेट्स हैं, यूएन स्टेट्स यानी यूएन का मेंबर स्टेट है, वह लेजिस्लेशन करेंगे, कानून बनाएंगे। कानून क्या होगा कि जो भी इलीगल, जो भी ब्रीच करेगा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसको इलीगल किया जाएगा, यानी कानून बना के साइबर अपराध को रोका जाएगा। आए बात समझे। इसके अलावे यानी कुछ ऐसा बनाएगा कि सारे पीपल्स उस एक्सेस नहीं कर पाए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का। इसके अलावे शुरू में बता चुके, इसमें ज्यादा फोकस किया गया है प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, यानी सेक्सुअल एब्यूज से जो चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि साइबर क्राइम में, साइबर अपराध, साइबर स्पेस में आजकल इजिली हर सूचनाएं अवेलेबल है। एक मोबाइल में बच्चे हर चीज दे सकते हैं, सेक्सुअल कंटेंट वगैरह भी वहां उनको मिल जाता है, और कई लोग उसको डालते भी है जान से, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करना इस ट्रीटी का, साइबर क्राइम ट्रीटी का मेन मकसद में से एक है। यानी स्टेट्स को, मेंबर स्टेट को ऐसा कॉल किया जा रहा है कि वह मेक इट इलीगल, वह इलीगल बनाए किसी भी तरह का कंटेंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं, सेल हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट है ऑनलाइन जो रिलीज हो रहे हैं, उसको इलीगल बनाया जाए, कानून बना के उसको रोका जाए। तीसरा बात जो है ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स अभी इस एक्ट अभी पूरी तरह या लागू भी नहीं हुआ, ह्यूमन राइट्स अभी विरोध जता रहे हैं, उनको ये कहना है कि इस हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो। तो इस स्टेट्स को ऐसा बताया गया स्थिति में कि ऐसा इंश्योर करना है ना, कि यह इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रीटी वह कंसिस्टेंट हो ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। यानी देखिए, अब मान लीजिए कि किसी ह्यूमन का राइट्स आप इस साइबर अपराध से नहीं बोल सकते, मान लीजिए कि मेरा अपना इंफॉर्मेशन है जो मैं अपने साइबर स्पेस में रखा हूं, तो विदाउट मेरे कंसेंट के आप इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते हैं, मेरा कंसेंट भी जरूरत है, है ना। हो सकता है मेरे इंफॉर्मेशन के लोग आपको गलत कर ले, आप प्राइवेसी का हनन हो जाए मेरा, है ना। तो यह ह्यूमन राइट्स को भी यहाँ पे देखना है। दूसरी बात कि स्टेट्स को यह परमिशन देना है कि आप सूचनाओं को कलेक्ट कर सके और रिकॉर्ड कर सके। अब यहाँ पे आप प्राइवेसी का नहीं लगा सकते, तो यह भी थोड़ा सा बताया गया कि रेलेवेंट डाटा फॉर कन्विक्शन कंपेल सर्विस प्रोवाइडर टू हैंड इनक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। जो क्रिमिनलाइज डॉक्यूमेंट होता है उसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी कर सकती है और कलेक्ट भी कर सकती है। तो चार मेनली की प्रोविजन यहाँ पे हम लोग बात किए। पहला है कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, दूसरा है प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज से, चिल्ड्रन को बचाना है सेक्सुअल अब्यूज से, ह्यूमन राइट्स की बात हुआ, और तीसरा है कि स्टेट्स यानी राष्ट्र को यह परमिशन देना होगा कि वह डेटा को, जो अब इनक्रिमिनेटिंग डाटा को, कलेक्ट और रिकॉर्ड कर सके। आए बात समझ में। तो यह प्रोविजन समझ गए, साइबर सिग्निफिकेंस समझ गए, क्या साइबर क्राइम है समझ गए, इससे पहले क्या होता है समझ गए, है ना।
दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। अब इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।